केतार से इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। केतार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बलिकट के प्रखंड समाज सेवी स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद की 93वां जन्म जयंती दीप प्रज्वलित कर बलिकट में मनाया गया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेता एवं कार्यकर्ता सहित केतार प्रखंड के प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में मनाया गया। बताते चले कि स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद का जन्म 1929 में हुआ था, जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से एमए किए, जिसके पश्चात 1948 में पैतृक गांव से ही उनका शादी हुआ। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। जीएलए हाई स्कूल डाल्टनगंज में हेडमास्टर के पद पर विराजमान हुए इसी दरमियान ओडिशा में ट्रेनिंग करने उन्होंने 1959 में पहुंचे, जबकि धनबाद प्लस कुंडू में 2 वर्ष पोस्टिंग के बाद 1966 में बढ़ते अत्याचार को देखते हुए उन्होंने अपने सर्विस से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद राजनीतिक एवं खेती तथा समाज सेवा में पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। लगातार उनके प्रयास से केतार प्रखंड में 2 विद्यालयों का निर्माण कराया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित झामुमो नेता अजय वर्मा ने बताया कि केतार के रोम रोम में बैकवर्ड दलित आदिवासियों के दिल में बसने वाले स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद जी का कमी हमेशा हम सब लोगों के बीच खलता रहेगा, जिसका भरपाई नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम में शामिल अनिल जायसवाल, राम विचार साहू, शंभू सिंह खरवार, विश्वनाथ पाल, राजनाथ जायसवाल, रामब्रिज पाल, पुत्र अनिल कुमार, माला सिंह, नरेंद्र सिंह, पत्नी शांति कुंवर, मनोज फौजी, विष्णु देवराम, रमेश पाठक, परशुराम गुप्ता, बसंत जायसवाल, विनोद जायसवाल, राजेंद्र जायसवाल, अनिल विश्वकर्मा, विश्वनाथ पाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। किशोर प्रसाद जी के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित, कोटि कोटि नमन। नंद किशोर प्रसाद जी केतार का पहचान थे, गरीबों की आवाज। आज हम लोग जो दलित बैकवर्ड आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग आज इस इलाके में सर उठाकर अगर जी रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनका योगदान है। और इनके बताए रास्ते पर हम युवा पीढ़ी को चलने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद जी से केतार का पहचान था। केतार की धरती पर गरीब परिवार में पैदा होकर इन्होंने जो इतिहास रचा है वह अविस्मरणीय है और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। और इनके विचार को कुछ लोगों ने दबाने का काम किया, लेकिन आज युवा पीढ़ी सशक्त और संघर्षशील हो रहा है और इनके पदचिन्हों पर चलेगा। चूँकि इस इलाके में शिक्षा का अलख इन्होंने जगाया, लोहिया समता उच्च विद्यालय जैसा धरोहर हम लोगों के बीच में खड़ा किया है। हमने सरकार से भी मांग किया है और इसके लिए इस इलाके के एक एक प्रतिष्ठित लोग हम लोग कृत संकल्प हैं कि लोहिया समता उच्च विद्यालय में हम लोग स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद जी की प्रतिमा लगाएंगे और प्रखंड मुख्यालय में इस इलाके के स्वतंत्रता सेनानी ननक साहब जी की प्रतिमा लगाएंगे। चूँकि दो लोगों से इस क्षेत्र की पहचान है और नंद किशोर जी गरीबों वंचितों के आवाज़ थे। और जब इन्होंने देखा कि हमारे दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, मजलूमों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और हम लोग जो बैकवर्ड परिवार के लोग हैं आज इनको अपना भगवान मानते हैं। और आने वाला समय में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नंद किशोर जी के विचार को एक एक गरीबों के घर में ले जाऊँगा और पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाने का काम करूँगा। और हम लोग पिछड़े समाज के मसीहा के रूप में नंद किशोर जी थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद।